नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते आज की कुछ खास खबर। ऑटो चालकों की समस्याएं होंगी दूर, पटोले। जल्द ही राज्य के ऑटो चालकों के लिए परिवहन विभाग के तहत कल्याणकारी मंडल बनाने को लेकर काम शुरू हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने मुंबई में परिवहन और कामगार मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस बारे में निर्देश जारी किए। जिला जनसंख्या के आधार पर बने परमिट। इसके अलावा पटोले ने कहा कि अब ऑटो चालकों को मिलने वाला परमिट जिले की जनसंख्या के आधार पर दिया जाए। विश्व स्तरीय बने नागपुर एम्स, नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नागपुर का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स सामान्य चिकित्सा के साथ साथ जटिल बीमारियों और चिकित्सा क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के साथ वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करे। सही मायने में नागपुर एम्स को तभी स्थापित माना जाएगा जब इसमें दुनिया भर से इलाज के लिए लोग नागपुर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में एम्स में 10,000 लोग रोजाना इलाज के लिए आएंगे। गडकरी नागपुर एम्स के दूसरे स्थापना दिवस समारोह में डॉक्टरों और छात्रों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पालक मंत्री नितिन राउत, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर विकास महात्वे व एम्स की निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता प्रमुखता से उपस्थित थी। मुंडे का डंडा, बाजारों में खौफ। शहर के कई इलाकों में साप्ताहिक बाजारों के साथ ही सड़कों पर लगने वाले अवैध बाजारों के खिलाफ कार्रवाई होने के मामले भले ही कई बार उजागर हुए हो, लेकिन अब मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे के आदेशों के कारण शनिवार से शुरू हुई कार्रवाई से सड़कों तक दुकान लगाने वाले दुकानदारों में खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रविवार को जाफरनगर के पास अनंतनगर और गोकुलपेट में सड़कों पर लगने वाला बाजार नहीं लग पाया। उल्लेखनीय है कि अवकाश के बावजूद रविवार को सभी 10 जोन के विभिन्न इलाकों में लगने वाले बाजारों में सुबह 7 बजे से लेकर दिन भर कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।